इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का अहम मौजू और अहम खबर भी, देश भर में किसानों की जानिब से चक्का जाम, किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता दिख रहा है। भले ही मोदी हुकूमत सब कुछ ठीक है कि नौटंकी कर रही हो, पर जिस कदर किसान एहतजाज ने दायरा वसी करना शुरू किया हुआ है, ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत का जवाल का सबब बन सकता है किसान आंदोलन। कई इल्मी और सियासी दानिशरों का कहना भी है कि किसान कानून को लेकर मोदी हुकूमत की जिद समझ से बाहर है। पिछले कई महीनों से लाखों के तादाद में किसानों के एहतजाज पर आलमी सतह यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी दखल लिया जा रहा है। भले गोदी मीडिया अपने चाटुकारों को और दलाल कलाकारों क्रिकेटरों को अपनी हिमायत में बयानबाजी करने के लिए मैदान में उतारी हो, पर कुछ हद तक सच्चाई को खुद भक्त भी समझने लगे हैं। तभी तो भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी ने पेट्रोल डीजल के दामों पर तंज करते हुए कहा कि राम के भारत में 93 रुपये, सीता के नेपाल में 53 रुपये और रावण की लंका में 51 रुपये। कहने का मतलब, अब भाजपा के अंदर भी सवाल उठना शुरू हुआ है, कब तक हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद पर बेवकूफ बनाया जाएगा। ऐसी भी आवाज खुद भाजपा से निकलनी शुरू है। आज पूरे देश में किसानों के 3 काले कानून हटाने को लेकर एहतजाज में इजाफा करते हुए पूरे देश में चक्का जाम किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि शायद ही कोई रियासत रहा हो जहां पर चक्का जाम नहीं किया गया हो। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चक्का जाम ना करने का फैसला लिया गया था, पर इसके बावजूद भी चक्का जाम और एहतजाज हुए, जिसमें तकरीबन 50 से भी ज्यादा एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया। अब तो तलबा और तालिबात भी इस एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। कई तलबाओं को दिल्ली में गिरफ्तार करने की इत्तला हासिल है। मुल्क भर में बंद को बढ़ता समर्थन, मोदी शाह की नींद उड़ा दी है। पंजाब और हरियाणा में मुकम्मल चक्का जाम रहा, टोल नाकों पर बंद किया गया, हाईवेज को भी बंद किया गया। बंद के बंद नजर खाने पीने का भी इंतजाम किया गया था। लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत फरमाई। अब यह एहतजाज जन आंदोलन बनते दिख रही है। आज का चक्का जाम 26 जनवरी से कई गुना बड़ा होने की बात कही जा रही है। कई जगहों पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़प की भी खबर हासिल हुई है, जिसमें कईयों को गिरफ्तार भी किया गया। कर्नाटक में भी आज चक्का जाम का असर देखने को मिला। बेलगाम सहित तकरीबन जिलों में चक्का जाम किया गया। बेलगाम के करीब हीरे बागेवाड़ी टोल नाके पर चक्का जाम किया गया था, जिसमें तकरीबन 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बसें, ट्रक और दिगर सवारियां रुकी रही। बेंगलोर में भी चक्का जाम कामयाब रहा, पर पुलिस कार्रवाई में कई एहतजाजियों को गिरफ्तार भी किया गया। यलहंका नाके के करीब चक्का जाम करने वाले किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सैकड़ों की तादाद में बेंगलोर यलहंका के करीब किसानों ने मरकजी मोदी हुकूमत और रियासती हड़प्पा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक रैत संघ और हसीरो सेने के सदर कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने दिल्ली जाकर किसान लीडर राकेश सिंह टिकैत से मुलाकात फरमाई और कर्नाटक के तमाम किसानों की हिमायत हासिल होने की बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि किसानों के एहतजाज में शरीक होने वालों पर पुलिस की नजर है और इज्तमाही तौर पर हम आते हैं तो हमें रोक भी दिया जाता है, लिहाजा हमने अलग अलग होकर पहुंचना मुनासिब समझा है। 6 फरवरी के बाद कर्नाटक से तकरीबन 4000 से भी ज्यादा किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर मुख्तलिफ दस्तों में शरीक होंगे। किसान एहतजाज और बदलती सियासी तस्वीर पर कुछ सवाल भी खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी हुकूमत को सकरात लगने वाली है। किसान बिल मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी भूल होती दिखाई दे रही है। लिहाजा अगर जनमत यानी आवाम की राय ने अपना फैसला बदलते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ फैसला देना शुरू किया तो उन दल बदलू नेताओं का क्या होगा जो सिर्फ जाति मुफाद के लिए गांधीवादी से गोडसेवादी हो गए। उन न्यूज एंकरों का, न्यूज चैनलों का क्या होगा जो अपने जमीर का सौदा करते करते पत्रकारिता की जगह चाटुकारिता करते रहे। अक्षय कुमार, कंगना रानौत, तेंदुलकर का क्या होगा जिन्होंने दलाली की तमाम हदों को पार कर मोदी हुकूमत के कसीदे और किसानों को भला बुरा कहा। सिर्फ सोच कर ही ताज्जुब लगता है, आखिर इनके चेहरे कैसे होंगे जब मोदी हुकूमत जवाल पजीर होगी। खैर, देश में अंधभक्तों दलालों की कमी नहीं और वैसे भी जिस कदर जाति की सरकार चलाई जा रही है, अदालत, मीडिया और संविधान के तमाम उसूलों को पसे पुष्ट डालकर इख्तदार के नशे में मनमानी फैसले लिए जा रहे हैं। ये लोग आसानी से गद्दी छोड़ने वाले तो है नहीं, पर अगर अवाम ने फैसला किया तो पार्टी कोई भी हो, इख्तदार की कुर्सी पर बिठाना और उतारना दोनों भी अवाम ही करती है। लिहाजा दिशा भूल की सियासत तवील अरसे तक नहीं चलती।
बेलगाम शहर और अतराब में चोरी की वारदातों में इजाफा ही होता जा रहा है। पुलिस इंतजामिया चौकर न होने के बावजूद भी इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। अब तो कहीं पर भी जाना हो तो घरों को बंद करके जाना भी खतरे से खाली नजर नहीं आ रहा। वैसे भी शादी ब्याह का मौसम है और अक्सर लोग शादी के लिए घरों को बंद करके शिरकत फरमाते हैं, पर अब तो इन दो चार घंटों में भी हाथ साफ करने वाले चोर मौजूद है। ये और बात है कि चोर कहीं दूर के नहीं होते, आसपास के ही होते हैं। बेलगाम श्रीनगर में अनवर अब्बास कुन्नी भाभी के घर दोपहर में ये लूट लिया गया। जब 4 बजे घर वापस लौटे तो दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी और जेवरात रुपए गायब थे। माल मारुति थाने में मुकदमा दर्ज है। वही टीचर्स कॉलोनी खास बाग में भी वारदात पेश आई जिसमें 2.5 लाख के जेवरात चोरी होने की इत्तला हासिल हुई। मुकदमा शाहपुर पुलिस थाने में दर्ज हुआ। किन्हे रोड पर ट्रक लूट लिया गया, अब तो चोरी की टोलियां भी सरगर्म हुई है। आखिर चोरी की वारदातों में इजाफा क्यों होता जा रहा है? क्या इसके पीछे बेकारी बेरोजगारी वजह है या नशे की लत ने नौजवानों को चोरी के रास्ते पर पहुंचा? इतना जरूर है कि बुराई की तरफ तेजी से बढ़ती नौजवान नस्ल को कहीं तो रहबरी की जरूरत है। ये काम सिर्फ पुलिस इंतजामिया का नहीं है बल्कि मोहल्ले के जिम्मेदार जमातों पंचायतों में बैठकर इस पर तबादले ख्याल होना चाहिए। मोहल्ले की जमातें आखिर इस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? अगर मोहल्ले में कोई गांजा या नशे की खरीदो फरोख्त करता हुआ पकड़ा जाता है तो मोहल्ले के बाशऊर जमात के मेंबरान की जिम्मेदारी है कि ऐसे अफरादों पर जमात पहले ही कार्रवाई करे। ये अफसोस का मकाम है कि अक्सर जमातें किसी भी सामाजिक बुराई का खात्मा नहीं करना चाहती या ऐसे मामलों में क्यों पड़ना वाली ज़हनियत देखी जाती है। वादा रहे कि मोहल्ले के असरात तुम्हारे घर के बच्चों पर भी पड़ते हैं, लिहाजा मोहल्ले को पाक साफ रखना है तो बुराइयों को खत्म करने की जिम्मेदारी जमातों की होती है। यकीनन आखरत की फिक्र होनी चाहिए, पर देखा यह जा रहा है कि मोहल्ले में चोर चक्के गांजा के आदि लड़कों की तादाद में इजाफा होता रहता है। हम दीन की दावत देकर अपनी जिम्मेदारी से दामन झटका लेते हैं। खैर, जिस कदर मोटरसाइकिल चोरी गांजा नोची करने वाले देर रात तक कट्टों पर बैठने वाले ऊपर जमातों का रोब डर होना चाहिए, तभी तो बुराई कम होती है। हमारे यहाँ सिर्फ वक्ती तौर पर बेदारी मुहिम चलाई जाती है, कभी कुछ मामला होता है तो किसी नाम से यंग कमेटी वजूद में आती है, सोशल वेलफेयर बनाया जाता है, 2-4 मीटिंगें नशीतों के बाद आहिस्ता आहिस्ता जोश खत्म होने लगता है। खैर, इस मौजू पर कितना ही बोले कम है, इतना जरूर है कि माशरा हर लिहाज से बिखरा हुआ है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं। पर इस तरह कब तक हम मनमानी जिंदगी जीते रहेंगे? हम अपने आप को तो सबसे नेक शख्स या बड़ा जिम्मेदार समझकर धोखा दे सकते हैं, पर अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। मनमानी और खुद को अकलमंद समझने की वजह से माशरा इस तरह बिखरा हुआ है कि जिसे समेटना काफी मुश्किल हो गया। यूं ही खबरों के साथ माशरे की अच्छे बुराई खबरों पर भी तबसरा होता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।